खबर जनपद चमोली से है, जहां हेमकुंड साहब की यात्रा शुरू होने से पहले जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने विभागीय अधिकारियों के साथ 18 किलोमीटर की दूरी तक पैदल चलकर हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हेमकुंड साहिब की यात्रा को सुगम और सुखद बनाने के लिए यात्रा से पहले पैदल मार्ग पर सभी व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए। आपको बता दें कि श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल मंदिर की यात्रा इस साल 25 मई से शुरू होगी। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के आसपास अभी भी करीब 8 फीट बर्फ है। यहां लक्ष्मण मंदिर और हेमकुंड सरोवर पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। हालांकि सेना के जवानों ने हेमकुंड साहिब मार्ग पर बर्फ हटाकर आवाजाही सुचारू कर दी है। इसके तहत ही जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं को सुचारू करें और यात्रा मार्ग पर किलोमीटर हेक्टोमीटर स्टोन और साइनेस लगाए जाए। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आज पूरी टीम के साथ इसमें पीडब्ल्यूडी और जल संस्थान विद्युत सप्लाई पूरी टीम के साथ हमने हेमकुंड यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया है। आगामी जो यात्रा है 25 मई से प्रारंभ हो रही है, उसके क्रम में जहाँ जहाँ मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है उसको ठीक करने के निर्देश दिए हैं। विद्युत व्यवस्था निर्देश दिए हैं कि हेमकुंड साइड में 20 तारीख तक सुचारू करने और पेयजल के लिए भी उनकी टीम लगी हुई है, उसको जल्द से जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। और इस बार जो हमारा यात्रा मार्ग है वो उसमें आर्मी की जो टीम है उसमें लगी हुई है कि अगले 2 से 3 दिन में हम पूरा जो रास्ता है वो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उसको सुचारू कर दें और जो इस बार हमारे यात्रा में जो श्रद्धालु आएंगे उनको किसी भी असुविधा का सामना ना करें।